अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। वेज चीज सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 व्हाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खीरा कटा हुआ, थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, ये टमाटर राउंड शेप में और आलू कटे हुए लिए हैं, आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले लेंगे, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे टमाटो केचप ले लेंगे, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, चाट मसाला पाउडर हम लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, चीज़ हमें चाहिए 1/3 कप, तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच बटर ले लेंगे और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हरी चटनी लेंगे। तो इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, नहीं तो आप धनिया पत्ता, हरी मिर्च और लहसुन को ऐसे पीस लें। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ये जो ब्रेड के स्लाइसेस है इसमें हम बटर लगा देंगे। तो बटर अगर आप कम यूज़ करना चाहें तो कम करें, लेकिन अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच चाहिए तो बटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें। तो यहाँ पे ये चारों ब्रेड के स्लाइस में बटर लगा देंगे हम, और ये मैंने बटर लगा दिया। बटर लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि 2 पे हरी चटनी और 2 पे टमाटो केचप लगाएंगे। तो पहले ये हरी चटनी डाल देती हूँ मैं, इसे अच्छे से स्प्रेड कर दें, और इसके बाद ये जो नेक्स्ट 2 ब्रेड है इस पे हम टमाटो केचप लगा देंगे। तो 2 पे हमें चटनी लगानी है और 2 पे टमाटो केचप, स्प्रेड कर दें अच्छे से। अब हम इसके ऊपर ये सब्जियाँ डाल देंगे। तो ये आलू जो है वो उबला हुआ यूज़ करें, कच्चा आलू ना यूज़ करें। तो आलू डाल दिया मैंने, फिर हम इसमें टमाटर, प्याज, खीरा जो है अपनी मर्जी से लगा देंगे, आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च नहीं यूज़ किया है। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने इसके ऊपर रख दी है। अब हम इसके ऊपर ये काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसके बाद नमक डाल दें, फिर हम इसके ऊपर चाट मसाला पाउडर डाल देंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। तो चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर दें, चीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा यूज़ करें, आप चाहे तो चीज़ के स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने ग्रेट कर दिया इसके ऊपर। अब हम ये जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस है जिस पे हमने केचप लगाया है वो इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये सेट हो जाए। तो बस हमारा सैंडविच जो है वो रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं इसे टोस्ट करने के प्रोसेस में। तो गैस ऑन करके एक तवा रखा है मैंने गर्म होने के लिए, इस पे हम बटर डालेंगे, बटर को अच्छे से स्प्रेड कर दें और इसके बाद ये सैंडविच रख दें इसके ऊपर। आप चाहे तो इस सैंडविच को सैंडविच मेकर में या फिर टोस्टर में भी टोस्ट कर सकते हैं। तब हम इसके ऊपर वाले साइड में भी ऐसे बटर लगा देंगे और बटर लगाने के बाद हम इसे ढक के लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे। तो ढक दें और इसे पकने दें। 1.5 मिनट बाद हम इसे एक बार ऐसे पलट देंगे ताकि दूसरे साइड को भी अच्छे से टोस्ट कर लें, गैस का फ्लेम लो रखें। तो यहाँ पे इस सैंडविच को पलट देती हूँ मैं और अब हम इसे दूसरे साइड भी 1.5 मिनट पकाएंगे। तो वापस पैन को कवर कर दें और इसके ऊपर आप चाहे तो बटर लगाएं या फिर ना लगाएं। यहाँ पे 1.5 मिनट हो चुके हैं, तो टोटल हमने सैंडविच को 3 मिनट टोस्ट किया है और इसे निकाल लिया मैंने। अब हम चलते हैं इसे कट करने के प्रोसेस में। तो सैंडविच को आप अपनी मर्जी के हिसाब से काट लें या फिर ऐसे काट लें। तो ये हमारी वेज सैंडविच जो है वो रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो दूसरी वाली सैंडविच को भी मैं कट कर लेती हूँ। सैंडविच को आप गरम गरम खाएं, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने इसे टोस्ट किया है तो ठंडा करके ना खाएं। तो सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर दें। अगर आपको ये चीज़ी फ्लेवर पसंद है तो चीज़ ज़्यादा ग्रेट करें, या फिर बिना चीज़ के भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रीट स्टाइल वेजिटेबल चीज़ सैंडविच रेडी हो चुका है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।